भाई हमें प्रोडक्ट देखना है 99 का, तो एक 99 वाला भी आप मेथड सीख लो, एक नया चीज है, नया कंसेप्ट है। जैसे मानो मुझे 53 को जो है वो 99 के साथ गुना करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कल के दिन कह दिया जाए 87 को तुम 99 के साथ गुना करो, ठीक है, और उसके अलावा जो है मान लो हमें कह दिया जाए कि 99 को तुम 99 के साथ गुना करो, तो आप उत्तर कितना देंगे बताइए, आपका आंसर क्या होगा, आप बताते चलो, सेकंडों में आपको आंसर बताना है। आपको कुछ नहीं करना, देखो कभी भी दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या के साथ गुना करोगे तो कुछ नहीं, 99 जो है ना ऊपर वाला उससे एक कम कर दो, ठीक है, 99 में से एक कम कर दो, कितना हो गया 98 हो गया यहाँ पर, कोई परेशानी की बात, ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर, और इस 99 से इस 98 को घटा दो तो आपका आ जाएगा 01, ठीक है, क्लियर है, 9801, बहुत शानदार। दूसरे और तीसरे का बता दो, ये लास्ट मल्टीप्लीकेशन है आपका, लास्ट मल्टीप्लीकेशन है, जल्दी से बता दो, बताओ। अब देखो करना क्या है, जैसे 53 को 99 के साथ गुना करते हैं तो 53 में से एक कम कर देंगे आ जाएगा हमारा कितना, 53 में से एक कम कर देंगे आ जाएगा हमारा 52, ठीक है, और फिर इस 99 में से 52 को कम करेंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 5 गया 4, ये हमारा एक लाइन में आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से आप किसी भी संख्या का गुना कर सकते हैं। 87 को 99 के साथ करना है, 87 में से एक कम कर दीजिए हो जाएगा 86, ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 86 13 जो है वो हमारा उत्तर है, किसी भी संख्या का गुना करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे 86 13, बहुत शानदार। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कल के दिन आपको बता रहा हूँ जैसे मानो 91 का गुना करना है किसके साथ, 99 के साथ, कितना होगा उत्तर बता दीजिए, कितना होगा, एकदम कमेंट जो है बहुत रफ्तार में जाए, इस बात का ध्यान रखें, सभी उत्तर दें। अगर आपने सीखा 99 का गुना इतना आसान है, इतना आसान है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, फिर आप लोगों को एक ऐसा जादू दिखेगा जो मजा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत बच्चे कह रहे थे सर कुछ नया दिखाइए, नया दिखाइए, तो नया आप लोगों को देखने को मिलेगा जनाब, नया आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे, ठीक है। आपने कहा सर देखो हम जो है 99 इसमें से एक कम करेंगे तो 90 हो जाएगा और यहाँ से कम करो तो कितना हो जाएगा 09 हो जाएगा। अब इसी नियम के आधार पे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी गुना कर सकते हो। कल के दिन आपको 563 को 999 के साथ गुना करना है, जैसे मानो यहाँ पर 563 को 999 के साथ, एक तीन अंकों की संख्या को तीन अंकों की संख्या के साथ, तो क्या करोगे 563 में से एक कम कर दो, लिख दो यहाँ पर 562 और 999 में से इसको कम करो, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 5 गया तो 4, सीधा एक लाइन में आंसर दे दोगे और तब बोलना कि जरा शर्मा जी के लड़के को जो है वो 563 को 999 के साथ गुना करके पूछो तो जरा एक सेकंड में उत्तर दे सकते हैं क्या, नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये आप दे पाओगे। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को ले लो और इसको 999 के साथ गुना करो, कोई भी तीन अंकों की संख्या, देखो दो अंकों की संख्या का दो अंकों के साथ, तीन अंकों की संख्या का 999 के साथ, चार अंकों की संख्या का 9999 के साथ, और कभी फुर्सत मिला तो मैं पूरा और आपको विस्तार से बताऊंगा जैसे आप लोगों को 99 का रूल कैसे लगाना है वो भी समझो, नहीं तो कल के दिन बोलोगे सर ने गलत सलत पढ़ा दिया। जैसे दो अंकों की कोई भी संख्या हो गई 56, उसको सिर्फ 99 के साथ गुना करना है। आपको तीन अंकों की संख्या हो गई 231, उसको 999 के साथ करना है, ठीक है। आपको कोई चार अंकों की संख्या हो गई 4372, उसको आपको 9999 के साथ करना है। बाकी अगर जो है कभी टाइम मिला तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 999 को दो अंकों के साथ भी कैसे कर सकते हैं और चार अंकों की संख्या के साथ भी कैसे कर सकते हैं। सबका उत्तर देखिए, लिखते चलिए आप लोग एकदम सेकंड में, ठीक है, लिखते चलिए। 56 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 55 44 हमारा उत्तर पहले का। दूसरे का उत्तर देखो, 231 में से एक कम किया तो 230 आ गया, 9 में से 0 गया 9, 9 से 3 गया 6 और 9 से 2 गया 7 हमारा, ये दूसरे का उत्तर एकदम सेकंडों में, बहुत शानदार। अब यहां पर गुणा करना है 4372 तो हो जाएगा 4371, 9 से 1 गया तो 8, 9 से 7 गया तो 2, 9 से 3 गया तो 6, 9 से 4 गया तो 5 हमारा आंसर। कैलकुलेटर भी समय ले सकता है लेकिन आपका कैलकुलेशन समय नहीं लेगा क्योंकि आपने सीखा यहाँ से है, हमारे अपने YouTube से है, जिसको आपने सब्सक्राइब भी किया है, जिसको आपने लाइक भी किया है, और अगर इतना प्यारा प्यारा कंसेप्ट है जो कि आपको पसंद आता है तो आप जो है इसको लाइक भी कर सकते हो। कैलकुलेशन बताता हूँ तो सर कैलकुलेशन की सीरीज ले लो, डिजिटल सम बताता हूँ तो सर डिजिटल सम की सीरीज लेके आओ, कितना पढ़ोगे ये बताओ पहले। अरे सबकी सीरीज आएंगी, अभी जो है ना काफी वक्त का तंगी चल रहा है तो बस अभी आ गया सवाल तो हमने सोचा पढ़ा दें, बाकी कैलकुलेशन में इतनी चीजें हैं पढ़ाने को कि अगर हम आपको कैलकुलेशन पढ़ाने पर आ जाए तो आप खुद बैठ कर एक किताब लिख दो। आपके भाई ने बहुत मेहनत की है, चिंता मत करो, ठीक है। चार तीन सात दो को 9999 के साथ गुना करेंगे, बताओ 4372 को 9999 के साथ गुना करो, 4371 5568 कौन कह रहा है गलत है बताना जरा। चलो